तो जयपुर में बच्चों को जंजीरों से बांधने का मामला सामने आया, जहां पर बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल पहुंची है मुरलीपुरा, जहां पर बच्चों के घर जाकर बच्चों से उन्होंने मुलाकात की, पीड़ितों से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली है। बेनीवाल ने आरोपी माँ बाप की काउंसलिंग भी की है। तो बच्चों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता था, जहां पर पीड़ितों से बेनीवाल ने मुलाकात की, साथ ही आरोपी माँ बाप की काउंसलिंग भी की है। तो बच्चों को जंजीरों से बांधने का पूरा मामला था। माता पिता दोनों मजदूरी पे और बेलदारी पे जाते हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए माता के द्वारा बताया गया कि जो सबसे बड़ा बच्चा है 10 साल का, वो 2 से 4 दिन पूर्व भी घर से बाहर कहीं पार्क में चला गया था और संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद बच्चा कहीं घूमता हुआ मिला था। उसके डर की वजह से, उसके भय की वजह से माता के द्वारा बच्चे को हल्की रस्सी से बांध कर जाना बताया गया। छोटे बच्चे ने जिस तरह से बताया कि उसके बाद बाहर कूटे को खोलते हुए कोई अनजान अंकल अंदर आए और उन्होंने हमको लटका के हमारी वीडियो और फोटो बनाया, ना कि माता पिता द्वारा हमको उल्टा लटकाया गया। खाजूवाला में भी पेट्रोल पंप मालिकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। पेट्रोल डीजल नहीं बिकने से परेशानी का मामला सामने आ रहा है। देखिए हमारे संवाददाता।